सचिन पायलट भी देंगे इस्तीफा। अब असली राजनीति कर रहे हैं पायलट। गहलोत से बदले का मौका मिल गया है। जी हां, राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट अब असली राजनीति पर उतर आए हैं। अब उनको अशोक गहलोत से बदला लेने का मौका मिल गया है, जिसे वो किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते। तभी तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद सचिन पायलट भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। वहीं राजस्थान के कुछ मंत्री भी गहलोत के खिलाफ सियासी माहौल बनाने में लगे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्तों की तल्खियां किसी से छिपी नहीं है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान ये तल्खियां जग जाहिर भी हो चुकी हैं। तब राजस्थान के सीएम पद की कुर्सी के लिए दोनों नेताओं में खूब खींचतान हुई, लेकिन गेंद अशोक गहलोत के पाले में चली गई और सचिन डिप्टी सीएम बनकर रह गए। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस का राजस्थान में सूपड़ा साफ होने के बाद प्रदेश में फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच की गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है, जिसके बाद प्रदेश में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पायलट के इस्तीफे की बात भी कही जा रही है। मायने ये कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी गहलोत को लेकर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रदेश के शीर्ष नेताओं पर गाज गिरना लगभग तय है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।